दिस इज मिस्टर इंडियन हैकर, इंडिया का नंबर वन एक्सपेरिमेंट चैनल। यस। तो बीच में ये काफी हेटेड बन चुके थे, कमेंट में लोग इनको काफी ज्यादा हेट दे रहे थे। क्यों? साथ इनके खुद के टीम मेंबर ने इनको एक्सपोज किया था। एंड मिस्टर, ये सबसे गंदा लगता है भाई मेरे को यार। पूरी एक टीम बनी होती है, उसमें से एक बंदा आगे ऐसे एक्सपोज वगैरह करने लग जाता है, ये सबसे मतलब बहुत गंदा लगता है यार। इंडियन हैकर ने ऐसा क्या गलती कर दिया था जिसके वजह से उनका 15 लाख का नुकसान हो गया था? 15 लाख भाई, किसी भाई गाड़ी आ जाती है इतने में नहीं, इतने में बंदा क्या कुछ नहीं कर लेता, 15 लाख का नुकसान हुआ इस बंदे का। तो आज के वीडियो में मिस्टर इंडियन हैकर के कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। बटकिंग है दिलराज, क्लिकबटकिंग है। मैं जो करना चाहता था वो यहाँ पे, इसके आने के बाद फिर डायमंड आना था, वो हमने नहीं लिया। क्यों नहीं, हमने नहीं लिया ऐसा क्यों भाई? मतलब एक अवार्ड होता है भाई, अचीवमेंट होती है, डायमंड भाई, सिल्वर प्ले बटन आता है बंदे को तब इतनी खुशी होती है भाई, डायमंड प्ले बटन नहीं लिया बंदे ने, वाह भाई। मिस्टर इंडियन हैकर ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट तो किया था 2012 में, बट उन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया था 2017 जनवरी 24 को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यूट्यूब पे भी वीडियोस को अपलोड किया जा सकता है। एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि यूट्यूब पे अपलोड क्या करे। फिर उनको एक आइडिया आया, साइंस रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट किया जाए। एक्चुअली दिलराज भाई साइंस स्ट्रीम से थे, कॉलेज के लैब में अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। okay. एंड आपको पता होगा कि 2016 या फिर 2017 के बीच में एक्सपेरिमेंट चैनल, यार मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता था, मैं भी सब कुछ करता था लैब में, पर मैंने तो नहीं ऐसा चैनल खोला, क्यों नहीं खोल पाया मैं ऐसा चैनल? चैनल इंडिया में नहीं के बराबर था। इसी के चलते दिलराज भाई ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, हाउ टू ओपन अ लॉक विदाउट की। ओके, मतलब ताला खोलना जिसको नहीं आता वो ये वीडियो जाकर देख ले, वो ताला खोलना सीख जाएगा। By the title of How to Open a Lock Without Key, इसी तरीके से नॉर्मल रिस्पॉन्स के साथ दिलराज भाई ने वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट किया, और देखते देखते उनके एक वीडियो, गाइस हम भी ऐसी वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं, गाइस बताओ प्लीज बताओ, वीडियो में 1000 व्यूज चला गया, जिससे उनको काफी मोटिवेट फील हुआ, और इसी तरीके से ही गेन अ लॉट ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। इससे पहले बता दूं 2018 में दिलराज भाई इंडियाज गॉट टैलेंट में भी जा चुके सीजन 8। इसके बाद देखते देखते एक्सपेरिमेंट फील्ड में मिस्टर, मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट का तो पता नहीं, पर इंडियाज गॉट लैटिन जरूर पता है मेरे को, क्योंकि आजकल वही चल रहा है ना, हैकर नंबर वन एक्सपेरिमेंट चैनल बन गया। एंड उन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव कर लिया। बट एक फैक्ट से यहाँ पे उन्होंने अपना डायमंड प्ले बटन को नहीं लिया, क्रिएट हुआ इसके आने के बाद फिर डायमंड आना था, वो हमने नहीं लिया। क्यों नहीं, हमने नहीं लिया ऐसा, क्योंकि पीछे एक रीजन है, वो ले लेते तो हमें कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हो जाते, हम संतुष्ट नहीं होना चाहते, हम चाहते कि सीधा रूबी ले। क्या बात है। फिर इनके हर एक वीडियो में, अब इसको इसको कहते हैं भाई कॉन्फिडेंस, बंदे को कॉन्फिडेंस है कि मैं मतलब वो वाला अचीव कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको अचीव कर लिया तो मैं मतलब, एक होता है ना बंदे को, जैसे हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद हम रेस्ट करने बैठ जाते हैं कि चल अब एग्जाम हो गए, हाश खत्म, चल। तो ये वाला सीन है बंदे का, भाई कह रहा ना मेरे को एग्जाम फिर से देना, मेरे को टॉप लेवल आना है, मेरे को मतलब नीचे नहीं आना, मेरे को फर्स्ट आना है, ये वाला सीन है। सो मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे, लगभग वो यूट्यूब को डोमिनेट कर रहा था एक्सपेरिमेंट फील्ड में। फिर मिस्टर इंडियन हैकर के लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर इंडियन हैकर ने एक वीडियो अपलोड करता है स्कॉर्पियो इंसिडेंट का, जहां वो अपने टीम मेंबर के बारे में बात करते हैं जो कि उनको छोड़ के चले गए। गाइस जहां पर हम 12 लोग हुआ करते थे टीम के अंदर, अब सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन 10 भी काफी है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज आपको कहूंगा कि बॉस लाइफ में कभी भी लालच मत करना, पैसा बहुत गंदी चीज है, पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देता है, पैसे के सामने रिश्ते नाते दोस्ती यारी दोस्ती विश्वास वगैरह कुछ नहीं टिकता है, पैसा सब कुछ खत्म कर देता है। बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र सिंह जो कि मिस्टर इंडियन हैकर का टीम मेंबर था, उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। रीजन इज वीरेंद्र सिंह ने अपना एक सेपरेट चैनल ओपन किया था मिस्टर इंडियन हैकर की टीम को छोड़ने के बाद, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। और इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए वीरेंद्र सिंह ने अपने इंस्टाग्राम, हेट मिलके भी भाई के 570K सब्सक्राइबर हो गए, पर स्टोरी लगाते हुए बोला कि डोंट बिलीव लाइज। उसके बाद काफी लोग उनसे क्वेश्चन करने लगे कि तुमने टीम को क्यों छोड़ा, जिसका रिप्लाई उन्होंने एक व्लॉग में दिया। दे सके, मैं जो करना चाहता था वो यहाँ पे हो रहा है, आई डोंट केयर अबाउट मनी, दैट्स बुलशिट, ठीक है। और जब आप भी इस स्टेज पर, वहाँ पे बातें उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद एक चैनल है टेक चैंपियन, उन्होंने वीरेंद्र सिंह का एक छोटा इंटरव्यू लिया था, जिसमें वीरेंद्र सिंह ने कुछ ये कहा।
मेरे को ये तो पता नहीं अभी वीडियो में आगे क्या बताने वाले हैं क्या नहीं, बट मेरा ये मानना है कि जब एक इंसान जैसे एक दूसरे के साथ होता है उसके बाद उसको लगता है कि मैं अकेले जाके भी ये चीज कर सकता हूँ, मैं अकेला भी जाके ग्रो हो सकता हूँ, एंड अगर वो अपना कुछ पर्सनली करना चाह रहा है तो उसको करने की पूरी फ्रीडम है एंड वो कर सकता है भाई, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है। अब जैसे पूरब जहाँ हर्ष बेनीवाल है, वो हर्ष बेनीवाल के साथ वीडियोज बनाता था, बट बाद में जाके उसने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, लोगों ने उसको और प्यार देना शुरू किया, इसका ये मतलब नहीं कि उसने हर्ष बेनीवाल को धोखा दे दिया। तो इसीलिए मतलब इंडिपेंडेंटली भी हमें किसी को ग्रो करने देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके पीछे ऐसी कोई ज्यादा खास रीजन ऐसा मान नहीं सकते, लोग उसको बढ़ा लेते हैं पता नहीं क्यों। शायद से मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मैंने एक स्टेप लिया कि अपने नाम पे अपने दम पे कुछ करें, चाहे अपने को जीरो से करना पड़े। बट ये सब स्टार्ट हुआ था 100K के बाद, मैं इसी रीजन की बात कर रहा था। 70K क्रॉस किया था तब उन्होंने थैंक यू बोला था मिस्टर इंडियन हैकर को, और देखते देखते ये मैटर भी क्लोज हो जाता है। बट उस स्कॉर्पियो का इंसिडेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ था, उससे भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। बेसिकली लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वो वीडियो फेक था, एंड एक यूट्यूबर ने तो एक्सपोज वीडियो भी निकाल दिया था विद प्रूफ्स के साथ। अपनी ब्रांडिंग वो टाइटेनियम स्टिकर यहाँ पे नहीं है, अगर दिलराज भाई उस स्टिकर को निकालते हैं, उसे मैंने लगाया तो मैंने ही लगाया, मैं उसे निकालूंगा क्यों, और मेरी फेवरेट गाड़ी है भाई दिलराज। एंड मिस्टर इंडियन हैकर ने भी विद प्रूफ्स के साथ एक वीडियो अपलोड करता है जहां पर वो बात करते हैं कि उनके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया है, एंड ये बातें भी लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर उनको एक एक्सपेरिमेंट वीडियो के वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। बेसिकली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था बाय द टाइटल ऑफ RIP BMW। इस वीडियो में उन्होंने एक BMW को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था, जिससे काफी BMW को तोड़ दिया भाई ने, ऑडियंस उनसे नाराज थे एंड हेट कर रहे थे। कुछ कॉमेंट लाइक इट्स हर्ट फॉर एवरी मिडिल क्लास पर्सन ओनली मिडिल भाई। एग्जैक्टली भाई, बहुत लोगों का सपना है भाई ये गाड़ी, कई लोग मतलब पूरी जिंदगी लगा देते हैं इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए एंड उसको क्रैश कर दिया। क्लास बॉय फील द पेन बीइंग ए कार लवर, रियली इट्स हर्ट, वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ प्रैंक, इट्स रियली हर्ट दिलराज भाई। सो इस टाइप के कमेंट उनके वीडियो सेक्शन में भर गए थे, एंड ये बात भी खत्म हो जाता है बट जब तक वो किसी नए कार को तोड़ ना दे, क्योंकि जब जब वो कार को डिस्ट्रॉय, ये तो भाई यूट्यूब का रोहित शेट्टी निकला करता था, तब तब उनको हेट करते थे ऑडियंस। एंड सिर्फ मिस्टर इंडियन हैकर को हेट नहीं मिलता था, क्रेजी XYZ को भी हेट मिलता था अगर वो कार को डिस्ट्रॉय करते थे। उसके बाद और एक कंट्रोवर्सी हो जाता है बिटवीन एक्सप्लोरिंग इंडिया वर्सेस मिस्टर इंडियन हैकर। बेसिकली आपको पता होगा कि घोष पार्ट्स कितने ज्यादा फेमस है मिस्टर इंडियन हैकर के, और मिस्टर इंडियन हैकर के उन सब वीडियोस को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो अपलोड किया, और एक्सप्लोरिंग इंडिया उन सब जगहों पे जा रहे थे जहां मिस्टर इंडियन हैकर ने ये दावा किया कि ये जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड थे। एंड लाइक एक्सप्लोरिंग, एक बात तो बता दूं, जितनी भी आपको घोस्ट वीडियोस मिलेंगे ना जो कि यूट्यूबर्स ने अपनी बनाई हुई है इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, वो सारी ऑलमोस्ट मतलब आप मान लो कि वो रियल नहीं है, क्योंकि वो सारी मोस्टली स्क्रिप्टेड होती है भाई। इंडिया ये बोलते हैं कि ये सब फेक है, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर उस वीडियो के नीचे मिस्टर इंडियन हैकर कमेंट करते, भाई इतनी दूर आए थे, हमसे भी मिल लेते, दिल खुश हो जाता भाई से मिलके, वी रिस्पेक्ट ऑल क्रिएटर्स, और मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, बाय द वे आवर वीडियो इज रियल, प्लीज वॉच ऑल 4 parts एक्सप्लेनेशन, नो कॉन्ट्रोवर्सी प्लीज। और मिस्टर इंडियन हैकर के कमेंट का एक्सप्लोरिंग इंडिया रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी वीडियो कितना ज्यादा सच है कितना ज्यादा फेक है ये सबको पता है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा ही एक्टिंग कर लेते हो। ऑल्सो मिस्टर इंडियन हैकर पे ये भी एलिगेशन लगाते कि उनके टीम मेंबर ने एक्सप्लोरिंग इंडिया के टीम को बहुत ज्यादा धमकाया है जब वो शूट करने गए थे उन जगहों पे। उसके बाद इस न्यूज को प्रॉपर तरीके से नियॉन मैन कवर करता है, जिसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर रिप्लाई करते हुए ये बोलता है, डियर नियॉन मैन ब्रो, लास्ट 4 दिनों से तो मैं और मेरी टीम फॉरेस्ट में थे, तो हम कैसे किसी बंदे को भगाएंगे, एक्सप्लोरिंग इंडिया झूठ बोल रहा है, बस व्यूज चाहिए सबको, इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं लोग चाहते हैं। व्यूज का ही तो खेल है यहाँ पे, व्यूज नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई, कॉन्ट्रोवर्सी हो बट मैं ऐसा नहीं चाहता। सो यही था ये मैटर। फिर आता है 1,500,000 रुपए का नुकसान। बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो किया था, जो वीडियो बेसिकली एक कार क्रैशिंग था, उस टाइम गलती से 1,500,000 का कैमरा उस कार के अंदर ही रह जाता है, जिसके बाद जब वो कार 1,500,000 का कैमरा कौन खरीदता भाई, मतलब इतनी भी क्या क्लैरिटी देनी है तुमने, मतलब हमने देख ली फिर वैसे ही है पॉज करके या ऐसे करके, पर उसको क्लैरिटी देके करोगे क्या इतनी भाई, 1,500,000 का कैमरा कौन खरीदता है। ऐश होता है, उसके साथ ही साथ वो कैमरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी तरीके से उनका 1,500,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। बट एक बात तो क्लियर है भाई, जहाँ पे कंट्रोवर्सी वहाँ पे व्यूज, जो दो पार्टियां कंट्रोवर्सीज कर रही होती है ना उनको बहुत मजा आ रहा होता है भाई कंट्रोवर्सी करने में, एक पार्टी अगर सॉल्व भी करना चाहे ना तो दूसरी पार्टी कहती है नहीं भाई इससे तो व्यूज आ रहे हैं सब्सक्राइबर आ रहे हैं हम तो कंट्रोवर्सी और करेंगे। तो बेसिकली भाई आजकल लोगों में ये हो चुका है कि मतलब बहुत सारे आप देखते हो जो उनसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब
थोड़ा ऐसे जाते हैं, वो फिर कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं ताकि फिर से ऐसे आ जाए। तो मतलब करो भाई आपकी मर्जी है, जो करना है करो, हमें तो वीडियो देखने से मतलब है, हमें तो मजे लेने हैं, मौज मस्ती करनी है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है, मस्त लगी है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मौज मारो यार।